सदैव आपल्या सेवेत 24/7 इस वृत्त के साथ प्रभाग के लोगों की अविरत सेवा कर समूचे विभाग को नई दिशा देने वाले भाजपा के पूर्व नगर सेवक सूरज पाटिल तथा पूर्व नगर सेविका सुजाता पाटिल के नेतृत्व में कुक्षित गांव सेक्टर 14, सारसोले नेरुल सेक्टर 6, 8 और 10 के नागरिकों के लिए लगातार दूसरे वर्ष जोशोखरोश के साथ क्रीड़ा महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया। इस बार तानाजी मालूसरे मैदान में क्रीड़ा महोत्सव का समापन देखने मिला, जहां क्रीड़ा महोत्सव में हिस्सा लेकर जीतने वाले हर वर्ग के खिलाड़ियों का आकर्षक ट्रॉफी और मेडल के साथ सम्मान किया गया। इस महोत्सव में खास आकर्षण रहा वह थी महिलाओं के लिए आयोजित पाक कला स्पर्धा तथा सौंदर्यवती स्पर्धा, जहां पाक कला स्पर्धा में विभाग की महिलाओं द्वारा प्रदर्शित किए गए लाजवाब और स्वादिष्ट व्यंजनों ने जजेस का दिल जीता तो आयोजित सौंदर्यवती प्रतियोगिता ने सभी की वाहवाही लूटी। सौंदर्यवती प्रतियोगिता में महिलाओं ने पारंपरिक पहराव परिधान कर अपनी सौंदर्यता के साथ अपनी बुद्धिमता और प्रतिभा का परिचय कराकर दिया। आखिर सुवर्णा मेहर ने बाजी जीतकर इस प्रतियोगिता को अपने नाम किया, जहां मान्यवरों ने उन्हें आकर्षक उपहार और ताज पहनाकर उनका सत्कार किया तो हर प्रतिभागी को पैठणी देकर उनका सम्मान किया गया। यह समूची प्रतियोगिता पूरी तरह भावनिक माहौल में तब्दील होती नजर आई। सूरज दादा के नाम से हर घर में परिचित होने वाले सूरज पाटिल ने विभिन्न कार्यक्रमों और ऐसे क्रीड़ा महोत्सव के माध्यम से पूरे विभाग की जनता को एक धागे में पिरो कर रखा और इसलिए आज हर कोई उनके काम और व्यक्तिमत्व का मुरीद है। सूरज पाटिल ने इस क्रीड़ा महोत्सव की सफलता पर खुशी जताते हुए कहा कि पूरा परिवार इसमें सम्मिलित हुआ, यह मेरे लिए बड़ी बात है। क्रीड़ा महोत्सव की संकल्पना अंतन मोबाइल से गेम सोडून मैदान कड़े वळवा ही संकल्पना हा ब्रीद वाक्य आपण घेतला, परंतु त्याच्या पाठीमागे घरातली गृहिणी सुद्धा मोकळ्या मनाने इथं मैदानात येईल, ती खेळेल, व्यासपीठावर आपल्या भावना मोकळ्या करेल, हे इथं आम्हाला पाहायला भेटतं। नक्की हा क्रीडा महोत्सव पारिवारिक महोत्सव झाला, त्याचा आनंद आहे, संपूर्ण परिवार याच्यात आला। 4 दिवस चालू असलेला सोहळा आज सांगता समारंभ होतो, निश्चित मनाला आनंद आहे की त्यांच्यासाठी केलं ते सगळे खुश आहे। ज्यांनी विश्वासरूपी मतदान बोला किंवा साथ दिली आणि ह्या पदापर्यंत किंवा ह्या उंचीपर्यंत पोहोचवलं तर त्यांच्यासाठी करणं हे कर्तव्य आहे, आणि त्यामुळं तळागाळातला म्हणजे वयातल्या छोट्यापासून वयोवृद्ध माणसापर्यंत करण्याची भूमिका आम्ही ठेवली। मला आनंद ह्या गोष्टीचा आहे की प्रत्येक सोसायटी सहभाग झाली, क्रिकेट टीम असेल, बुद्धिबळ, कॅरम, धावण्याच्या स्पर्धेत झाली, पाककलेमध्ये म्हणल्याने घेतला, सौंदर्यवतीमध्ये माझी काही समोर आली आणि एवढं सगळं सपोर्ट आणि ह्या गोष्टी झाल्या तर ते यशस्वी नियोजन हे सगळं श्रेय ह्या सगळ्या इथल्या नागरिकांना। निश्चित मी मगाशी बोललं की महिला व्यासपीठावर उभी झाली, जे मगाशी काही बोलली की आज सुद्धा महिलेला म्हणजे प्राधान्यक्रम देताना काही पुरुषांमध्ये जरा थोडंसं ही होतं तर ते त्यांनी त्यांच्या भावनेतून व्यक्त केलं। निश्चित आजचं स्पर्धात्मक युग आहे, त्रिकुटच कमी नाही आहे, आणि सूरज पाटील हे निवडणुकीला सगळ्यांनी पाहिले की महिलांनी रस्त्यावर उतरून सूरज पाटीलसाठी मतदान मागितलं आणि त्यामुळे स्त्रीचा सन्मान हा माझ्या आयुष्यभर मला करायचा। ब्युरो इनपुट, ईडब्ल्यू नेटवर्क।